तो हेलो फ्रेंड्स, आ गया मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो इस टाइम पे आप मेरे स्कोर वगैरह देख ही सकते हो यार, और करंट रैंकिंग देखोगे तो इस टाइम पे मैं रीजन पे 84 नंबर पे चल रहा हूँ। इस टाइम पे मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। आज जो है 5 तारीख है, ठीक है, मतलब सीजन आए हुए 35 दिन हो गए है और अभी तक मेरा 1000 बुइया कम्प्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 962 बुइया। इस टाइम पे मैं टॉप 1 पे ही चल रहा हूँ रीजन विंस पे, लेकिन 35 दिन हो गए भाई, मैं 1000 अभी तक बुइया कम्प्लीट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अगर आप मेरे को पिछले सीजन से देख रहे हो तो पिछले सीजन मैंने 30 तारीख का एक वीडियो डाला था, अभी जो गया वो 30 तारीख नहीं, उसके पहले वाली 30 तारीख को, जिसमें एक मंथ में ही मतलब 30 दिन में ही मैंने 1014 बुइया कर दिया था। लेकिन इस सीजन ऐसा क्या हुआ कि मेरा अभी तक 1000 बुइया कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि 35 दिन हो गए सीजन आए, जबकि पिछले सीजन मैंने 30 दिन में ही 1014 बुइया कर दिया था। लेकिन पिछले सीजन मेरा आईडी जो है 5 बार ब्लैक लिस्ट भी हो गया था, लेकिन इस सीजन देखोगे तो 1 बार भी मेरा अभी तक आईडी ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ है, जबकि सोलो रीजन विंस में टॉप 10 में जितने भी बंदे हैं ना, सबका एटलीस्ट एक बार तो आईडी ब्लैक लिस्ट जा ही चुका है इस सीजन जो है वो। और अगर आपको याद होगा तो इस सीजन की स्टार्टिंग के ही एक वीडियो में मैंने बोल दिया था कि मेरा टारगेट है इस सीजन 1 बार भी मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट नहीं होने दूंगा मैं, और बस इसी कारण से ही मेरा अभी तक 1000 बुइया कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं एक दिन में ज्यादा बुइया नहीं निकाल रहा हूँ, मतलब ज्यादा बुइया ही नहीं कर रहा हूँ यार, उसके चक्कर में मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट नहीं हो रहा है। और ऐसे ही सोलो रीजन भी इसमें 2 सीजन से टॉप नहीं कर रहा हूँ यार, कुछ तो बात होगा ना। पिछले सीजन से ही मैंने गेम को एनालाइज कर लिया था कि क्या क्या चल रहा है गेम में और क्यों ब्लैक लिस्ट जा रहा है। मैं अपने तरफ से आइडिया लगाया और एक्सपीरियंस अपना जो भी था वो सारा चीज मैंने यूज किया, और इस सीजन वो सारा अपना एक्सपीरियंस जो है वो इस सीजन मैंने अप्लाई किया और वो अभी तक वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी तक मेरा 1 बार भी आईडी ब्लैक लिस्ट नहीं गया है। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली यार मैच जो है स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। अब एक बात मैं सच सच आपको बताता हूँ, मैं क्यों नहीं चाहता कि इस सीजन मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट जाए, ये मैं आपको बताऊँ। पिछले सीजन जब मेरा जब भी आईडी ब्लैक लिस्ट गया ना, मैं वीडियो डालता था वो दिखा कि देखो मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट हो चुका है, 4-5 बार मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट हो गया था, और हर बार मतलब वीडियो के नीचे कोई ना कोई कमेंट कर ही देता था कि तुम हैक यूज़ कर रहे हो, ग्लिच यूज़ कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा आईडी ब्लैक लिस्ट हो रहा है, ऐसा करके बहुत लोग कमेंट करते थे भाई। तो वो बात मेरे को दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेहनत करके 14-15 घंटे गेम खेल के इतना ज़्यादा मैं पुश करता था, और कोई भी नेगेटिव कमेंट करता था तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इस सीजन वैसा कुछ कमेंट आए, और हो सकता है इस सीजन ऐसे भी लोग होंगे कि ये कमेंट कर देंगे तू सबका आईडी ब्लैक लिस्ट जा रहा है, तुम्हारा नहीं जा रहा है, मतलब कि तुम हैक यूज़ कर रहे हो, ग्लिच यूज़ कर रहे हो, ऐसा कई लोग अभी भी ऐसा भी बोल सकते हैं यार। तो उनके लिए मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है, वो सिर्फ दूसरे की वो देख के टॉप पे नाम देख के बस जल रहे हैं, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा, जो कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे जो सपोर्टर्स है वो लोग यही बोलते हैं कि वो बस हेटर्स है, वो उनका काम है जलना, आप उनको और जलाओ, ऐसा करके काफी ज्यादा कमेंट आते हैं, जो कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट भी करता है, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को कमेंट पढ़ के। तो चलो छोड़ो यार ये सब बातें, अभी बोलने वाले कितना भी आप अच्छा कर लो वो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, तो वो सबको अभी नजरअंदाज करते, इग्नोर मारते, अभी गेम पे फोकस करते। इस टाइम पे मैं ब्लू जोन में उतरा तो था, लेकिन भाई ब्लू जोन में मेरा इतना ज्यादा खौफ हो गया है क्या, क्यों कोई बंदा ही नहीं आया भाई इस टाइम पे। तो चलो अभी इधर से लूट वगैरह मार के कहीं और जाते हैं बंदे मारने के लिए। तो यहाँ से मेरा फाइनली लूट वगैरह थोड़ा बहुत हो चुका है, चीप वगैरह मैंने परचेस कर लिया, लेकिन वो अभी तक मैंने लगाया नहीं है, और मैंने एक मिशन भी ले लिया है। तो अभी मेरे को किल चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरा 0 भी किल है, तो स्टार्टिंग में अगर मेरा किल नहीं रहता तो वो गेम मेरा अच्छे से नहीं जाता, थोड़ा सा टेंशन हो जाता है दिमाग में, किल के पीछे भागना पड़ता है। तो यहाँ से आ गया एक बंदा दिखा, ओके तो चलो इस टाइम पे इसको मैंने फिनिश तो कर दिया था। आई थिंक यहाँ पे कोई ना कोई और तो बंदा है, क्योंकि यहाँ पे वाल वगैरह लगा है, इधर राइट साइड में ऊपर की तरफ भी एक वाल लगा है, तो इन दोनों का फाइट चल रहा था, मतलब किसी ना किसी से फाइट चल रहा था उस बंदे से। तो चलो अभी उस बंदे को ढूंढते हैं, अगर कोई बंदा होगा तो मारेंगे, नहीं तो वो जिसको मैंने मारा है उसको लूट वगैरह करके इधर से कहीं और निकल जाएंगे। स्टार्टिंग में मेरा अगर 2-4 किल निकल जाता है ना, 2-3 किल, तो मेरा गेम काफ़ी अच्छे से जाता है, किल के पीछे भागना नहीं पड़ता, मतलब टेंशन फ्री हो जाता हूँ मैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर ब्लू जोन में उतरता हूँ कि स्टार्टिंग में ही मेरा 2-3 किल निकल जाए करके। भाई इधर एक लड़की आ गई यार, ओके
तनु नाम है भाई, सच में ये लड़की है भाई। इसको मैंने इस टाइम पे M10 से हेडशॉट मार दिया। और इस टाइम पे आपको आवाज़ नहीं आ रहा होगा, मतलब गेम का साउंड नहीं आ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे मैं कॉल पे था, मतलब कॉल आ गया था बीच में मेरा, इसलिए वो मेरे को रिसीव करना पड़ा, तो इसलिए आपको गेम साउंड इस टाइम पे नहीं आ रहा है। तो अभी इस टाइम पे मैंने फिर से एक और मिशन ले लिया है, जो कि जस्ट लेफ्ट साइड में मेरे बंदा है, चलो उसको मारने के लिए चलते हैं। लेकिन वो बंदा मेरे को कहीं पे दिख नहीं रहा है यार, आई थिंक ये टावर के पीछे है क्या ये वाले, लेकिन इधर कोई बंदा ही नहीं है ऐसा मेरे को लग रहा है। और कभी कभी ये परफेक्ट लोकेशन भी नहीं दिखाता यार, मेरे को कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। और इस टाइम पर भाई वो बंदा मेरे पीछे था यार, मैंने देखा ही नहीं, वीडियो में दिखा होगा अभी अभी आपको, लेकिन मैं जब गेम खेल रहा था तो मेरे को नहीं दिखा था। तो चलो ठीक है, इसको भी फाइनली मैंने इस टाइम पर भाई पूरा पूरा हेड मार के डाइव मतलब फिनिश कर दिया था। और अभी इसको थोड़ा बहुत लूट वगैरह करते। इसके पास से मेरे को एक चीज़ काफ़ी सही मिला है, बैग वाला अटैचमेंट। इधर एक गाड़ी आया यार, चलो इसको एक हेड लग गया 78 का, इसका गाड़ी भी मैंने तोड़ दिया भाई। ये नायरी करेक्टर ना यार, मतलब वाल ही नहीं टूटता भाई, ये लॉन्चर से 3-4 MO लगता है फिर टूट जाता है। तो एक यूनिट ये मैं मारता हूँ, फिर से बंदे ने वाल लगा लिया भाई। भाई थर्ड पार्टी हो रहा है भाई, इधर लेफ्ट साइड से भी पड़ रहा है। एक मिनट मैं हील करता हूँ सबसे पहले, तो अभी कैसे भी करके मेरे को एक तरफ के बंदे को मारना पड़ेगा तभी मैं सेफ होऊंगा, नहीं तो फिर यहाँ पे मेरा वाल वगैरह ख़त्म करके ये लोग मेरे को फिनिश कर देंगे। ये जीप लाइन लेके जा रहा है भाई एक बंदा, इसको मारते है भाई, इसको लग ही नहीं रहा यार। अरे किसी और ने इसको मार दिया इस टाइम पे, तो इसको चलो हेड मारने का ट्राई करते हैं। भाई 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 क्या रेड नंबर लगा यार इस वाले बंदे को। वैसे तो मैं फुल बॉडी प्लेयर हूँ, मतलब फुल बॉडी बॉडी शॉट मारता हूँ, लेकिन जैसे ही ऐसे ही मतलब कभी कभी किसी को हेड मारना चाहता हूँ, ऐसे नूप वॉक करता हूँ, तो हमेशा उस बंदे को हेड ही लगता है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी पसंद आता है, अगर मैं हेड मारने का ट्राई करता हूँ तो सच में हेड लगता है यार, नहीं तो फिर बॉडी बॉडी ही लगता है। और इसको इस टाइम पे मैं चलो रस करके फिनिश तो कर दिया था भाई। हर किसी के पास सोनिया करेक्टर यार, इसके पास भी था और सामने वाले एक बंदे को, जिसको मैंने एक और बंदे को डाउन किया था जो कि नीचे में, उसके पास भी सोनिया दीदी थी यार, मतलब सभी लोग यही करेक्टर यूज़ कर रहे हैं। चलो इसको मारते हैं। ओके चलो इस टाइम पे इसको भी मैंने फिनिश कर दिया। इधर एक बंदा जोन से एलिमिनेट हो गया है भाई, जस्ट वो जोन में पहुँचने ही वाला था बेचारा, एलिमिनेट हो गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा उसको। तो चलो अभी जोन में निकलते हैं इधर से। तो फाइनली मैं जोन में आ चुका था यार, मैंने वीडियो का पार्ट थोड़ा सा कट कर दिया क्योंकि मेरा कॉल भी जो है कट हो गया था, तो वो नंबर सो हो रहा था, तो मैंने इसलिए कट कर दिया थोड़ा सा वीडियो का ही पार्ट। और इस टाइम पे आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि मैं जोन से बाहर क्यों जा रहा हूँ, मैं गल लेने जा रहा हूँ भाई पैरापाल। अभी इस कार से मैंने काफ़ी ज़्यादा किल कर लिया, 3-4 किल, 2-3 किल तो कर ही लिया है, 3 किल आई थिंक कर लिया, 3 या फिर 4 किल जितना भी किल आया, लेकिन इस कार का कोटा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैंने पैराफॉल उठा लिया। जितना सारा मतलब देख सकते हो मेहनत करना पड़ता है भाई वेपन ग्लोरी के चक्कर में, टाइटल लेने के चक्कर में, इसीलिए मेरे पास इतना ज़्यादा टाइटल है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे के खेलता हूँ और हर एक गन को मैं चलाने का ट्राई करता हूँ, उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा टाइटल ले पाया हूँ। तो चलो अभी इधर एक पीछे में बंदा है, इसको चलो मारते हैं भाई। कितना हेड लग रहा है यार इस वाले के, मिस को भी हेड मतलब रेड नंबर लगा, तो चलो इसको भी फिनिश करते हैं। पैराफॉल वैसे हेड शॉट काफ़ी अच्छा मारती है। इधर एक और बंदा है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया। एक मिनट, ये लॉन्चर मारता हूँ, ये बाहर निकलेगा तो पैराफॉल से मारूंगा मैं इसको। ये तो निकल ही नहीं रहा यार भाई, ये तो निकल गया भाई इधर से। अगर मैं चाहता तो उसको, सच बात बता रहा हूँ, ये लॉन्चर से इजीली उसको फिनिश कर सकता था, लेकिन वो वेपन ग्लोरी के चक्कर में वो किल मेरे हाथों से गया। लेकिन ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उसको जोन में आना है और जोन के बाहर है वो बंदा, तो अगर वो जोन में आएगा तो मारूंगा। इधर के साइड जा रहा है भाई, ये कितना लंबा रोटेशन मार रहा है भाई, बंदे का दिमाग देखो यार। लेकिन भाई उससे ज़्यादा दिमाग है यार हमारा, इसको जोन में तो आने नहीं देंगे हम। चलो फाइनली इसको इस टाइम पे मैंने फिनिश कर दिया यार, जैसे तैसे करके। तो अभी इसी के साथ मेरे टोटल 7 किल कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरे को छोड़कर अभी भी 5 बंदे बचे हैं। छोटा सा जोन हो चुका है, लेकिन एक बंदा एलिमिनेट हुआ। इधर एक बंदा आया भाई, कितना हेड लग रहा है यार इस वाले गेम में, मतलब मेरे को खुद को बिलीव नहीं हो रहा है, एक बंदा भाई इधर से मार रहा है भाई। यार ये बंदा तो इधर से निकल रहा है भाई, कहाँ भाग रहे हो यार, इसको जोन में जाना है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ये इसलिए निकल रहा है, या फिर उसको डर लग गया होगा मेरे से, मेरा वाल देख के। तो अभी एक मिनट ले भाई, इसको भी एक शॉट बस स्टार्टिंग में बॉडी लग रहा है, देन पूरा पूरा रेड नंबर जा रहे, जितने भी बंदे को मैंने मारा है सबको हेड शॉट मारा है अभी तक। तो
और इसको भी चलो हेड लग गया भाई, लास्ट में एक हेड लग गया बंदे को, हेड शॉट के साथ मेरे को किल मिल गया भाई, कितना हेड लग रहा है यार। तो अभी देखो जो भी मेरे को कमेंट करके बोलते बॉडी किंग करके, तो अभी हेड शॉट किंग करके कमेंट करके मेरे को बोलो चलो अभी कितना ज्यादा मैंने हेड शॉट मार के दिखाया अभी। लेकिन सच बात बता रहा हूँ भाई, एक चीज मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा यार, कितना ज्यादा हेड कैसे लग रहा है यार। मतलब अभी तक मेरे ख्याल से जितना भी किल मैंने लगातार बहुत ज्यादा किल हेड शॉट से कर दिया है, आई थिंक वो M10 वाला तो नहीं था, उसके बाद सारा किल हेड शॉट से ही मैंने किया था। तो एक मिनट, एक लास्ट का बस बंदा और बचा है, तो इसको मारते हैं। और इस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़्यादा हाई था, क्योंकि इतना ज़्यादा हेड मारने के बाद भाई किसी में कभी कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़्यादा हाई हो जाएगा, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी आप लोग बोल सकते हो इस चीज़ को। तो अगर मैं सच बात बताऊँ ना आपको, तो इस टाइम पे मेरे दिमाग पे बस एक ही बात चल रहा था कि कैसे भी करके ये वाला किल भी मेरे को हेड शॉट से ही फिनिश करना है, मतलब इस वाले बंदे को और भुइया लेना, यही मैं सोच रहा था। लेकिन ये बंदा इतना चलाक तेज बंदा था ना भाई, मेरे को बिल्कुल भी पी के नहीं दे रहा था यार। और इधर मैं नूब वॉक कर रहा हूँ, इधर वो बंदा जैसे ही निकलेगा तो उसको हेड शॉट मारूंगा करके, लेकिन बंदा मेरे को इस टाइम पे काफ़ी सही बंदा लग रहा है, मतलब दिमाग लगा के खेल रहा है। तो इससे अभी थोड़ा पंगा नहीं लेंगे ज़्यादा हम लोग, अगर ये क्या करेक्टर यूज़ करके वाल के आर पार मारने वाला यूज़ किया है। लेकिन एक मिनट भाई रहने देते हैं यार, हेडशॉट के चक्कर में भाई कहीं बुइया ना मिस हो जाए। तो अभी इसको मैं नेड वगैरह जितना है मेरे पास सबको फेंक देता हूँ, बंदे को थोड़ा सा डराना पड़ेगा तब जाके इसको मैं मार पाऊँगा। ओके, एक डैमेज गया और फाइनली काफ़ी इजीली मैंने इस वाले बंदे को फिनिश कर दिया यार। फालतू में मैं इससे डर रहा था भाई स्टार्टिंग में, लेकिन काफ़ी इजीली इसको मैंने दिमाग लगा के मारा भाई, ये बात तो इस टाइम पे। तो इसी के साथ इस वाले गेम में मेरे को टोटल आई थिंक 11 किल के साथ बुइया मिला जहाँ तक मेरे को पता है, और इसमें मेरे को 31 का भी प्लस मिल चुका था। तो फिर यही था आज का वीडियो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात मैं बताना ही भूल गया यार, हर संडे को मैं एक कस्टम बनाऊंगा सोलो का, फुल मैप का, जितने वालों को एक वीकली मेंबरशिप मिलेगा। तो वो आईडी पासवर्ड आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में देखो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो और संडे आने का वेट करो।